आज फिर से 6 साल के बच्चे के ऊपर रेप हो गया हैदराबाद में, उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों दिन ब दिन बहुत कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले 6 साल के बच्चे के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, बहुत ही गलत हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा हैदराबाद के रहने वाले लड़की का जो है रेप हो गया है, करने वाला बंदा ये देखो यहाँ पर मैं उसका आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसका नाम है राजू। ये बंदा जो है उसी वो 6 साल की बच्ची के घर के बाजू में रहता था। अब आप भाव की बात सुनो, जो भी भाव ने कानून बता रहे उसी टाइप का कानून होगा तभी हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। मैं भाव की वीडियो प्ले कर देता हूँ। जय हिंद। आज फिर से 6 साल के बच्चे के ऊपर रेप हो गया हैदराबाद में, उसका मर्डर कर दिया। दिल्ली में निर्भया हो गया, हैदराबाद में हो गया, अभी मुंबई में वो एक लड़की के साथ 30 साल की लड़की के साथ रेप करके उसके रोड घुसाया। कब तक रे, कब तक मादर चोदो, कब तक चुप बैठोगे रे मादर चोद? शर्म नहीं आती क्या मादर चोद चुप बैठने के लिए? ऐसे कानून बनाओ ना, ऐसा कानून बनाओ कि जैसा ये रेप करता है वैसा फास्ट ट्रैक में डालो, SIT बिठाओ बहन चोद। और जो अगर गुनेगार निकला इसमें मादर चोद को बीच चौराहे पे ला के ना मादर चोद के गांड में वही रॉड डालो मादर चोद के, उसके दोनों हाथ काटो, दोनों पैर काटो मादर चोद के। जब तक एक कानून नहीं बनेगा ना तब तक कुछ नहीं होएगा। बस सरकारें एक दूसरे के साथ झगड़ा करेगी, ये करेगी। अरे आओ ना एक साथ, सब लोग सब एक साथ आओ और बनाओ ना एक कानून। साला जब तुम लोग के साथ होएगा ना, तुम लोग के साथ होएगा तब तुम लोग को पता चलेगा। तुम्हारे बहन बेटियों के साथ होएगा ना तब तुम्हारे को पता चलेगा, तब कानून के बारे में सोचेंगे मादरचोद। तब तक कोई नहीं सोचेंगे। क्या हो गया वो निर्भया का बेटा के खिला रहे हो फैंचो जेलों में, ऐसे भड़वों को मुफ्त का रोटी खा रहे भड़वे बैठ के अंदर। जितने भी रेपिस्ट है मादरचोद अंदर जेल में बैठ के खाना खाते। फास्ट ट्रैक में डालो ना मादरचोद, अगर वो गुनेगार है उसने किया लाओ भेड़चोद बाहर मादरचोद को काटो ना। छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर रेप हो रहा है। शर्म करो रे, शर्म करो। बस बस मजा देखो, मजा मजा देखो आप लोग। जब आपके बहन के बेटी के साथ होएगा ना तब पता चलेगा आपको। मजा देखो सालो, मजा देखो। बस ऐसे हराम के फड़वे तुम्हारे भी आजू बाजू में घूम रहे, समझा? इतना याद रखना। अगर आज अगर ये तुम लोग ने कदम नहीं उठाया ना तो ये फड़वे तुम्हारे बहन बेटियों के साथ भी करने को कम नहीं करेंगे। ऐसे शिकार ढूंढ रहे फड़वे साले बाहर, ऐसे शिकार ढूंढ रहे मादर चोद, समझा? जिनको आप लोग भेड़ चोद ना, जिनको जेल में डाल के भोसड़े मुफ्त के खिला रहे हो ना, ये फिर छूट के आएंगे मादर चोद। ऑलराइट, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी तरह का और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, यही भगवान से दुआ करता हूँ। आशा करता हूँ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।